हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो बोट की तरफ से आता है। तो कुछ इस तरीके आपको उसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप टॉप पे देखेंगे तो आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, फिर कॉर्नर पे देखेंगे तो अवान्ते बार 550 लिखा है जो स्पीकर का नाम है, और दूसरे ही कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको बोट का लोगो देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बॉक्स के पीछे देखें तो आपको कीस पैक्स लिखे हुए दिख जाते हैं अपने स्पीकर से रिलेटेड। और अगर सीधा हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो आप जिस बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले आपको अपने स्पीकर देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे आपको एक रिमोट देखने को मिल जाता है जिससे आप अपना जो स्पीकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है जिसे उसको ओपन करेंगे आपको सबसे पहले एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में आपको इसकी जो चार्जिंग केबल है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। वन ईयर का वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आप देखेंगे तो आपको एक बोट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी मैनुअल देखने को मिल जाती है। और लास्ट में हम देखेंगे तो आपको जो अपना जो स्पीकर है उसकी यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर स्पीकर के बारे में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब सीधा अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, फुल मैट फिनिश में आता है जो काफ़ी ही प्रीमियम लगता है। फुल प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको सेंटर में बोट का लोगो देखने को मिल जाता है, और साइड में पूरे एल्यूमिनियम की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। टॉप पे आपको कुछ बटन फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। और उसके हम बैक साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के बाद इसमें आपको एक होल दिख रहा होगा, वहाँ पर इसका जो लाइट इंडिकेशन है वो है। उसी के बाद इसमें आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे माइक्रो यूएसबी का आपको स्लॉट देखने को मिल जाता है, और आपको इसके अंदर ऑक्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसके बॉटम की बात करें तो आपको दो ग्रिप टाइप की देखें रबर के जो स्टैंड है, तो इससे क्या होता है अगर आप थोड़ा इसको तेज भी बजाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वाइब्रेशन ज़्यादा आते नहीं है। अब इसके ड्राइवर्स की बात करें तो आपको 250 mm के ड्राइवर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर उसके कुछ की स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, जिसकी रेंज है वो आपको 10 मीटर देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आपके ये फ़ोन से कनेक्टेड है तो 10 मीटर के अंदर अंदर ये इजीली काम कर जाते हैं। 50 mm के दो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो 16 वॉट का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काफ़ी सही बना देता है स्पीकर को। इसका जो प्ले टाइम है वो 4.5 आवर्स आपको देखने को मिल जाता है, और जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स है। मतलब ये जो स्पीकर है 0 to 100 आपको 2 आवर्स में चार्ज हो जाता है, और जो इसका प्ले टाइम है 4.5 घंटे तक इजीली चल जाते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको 2200 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, और जो इसका नेट वेट है मतलब कितना इसका वेट है वो आपको 0.8 kg आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें हमारे स्पीकर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है, तो आपको स्पीकर के ऊपर जो बटन्स देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन होगा, आपको उसको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा। अब जैसे उसको प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो सारे बटन्स हैं उनके अंदर से आपको ब्लू कलर की लाइट ऐसे चालू हो जाती है एकदम से, तो जैसे वो सारी लाइट चालू हुई मतलब आप समझ जाना आपको जो स्पीकर है वो चालू हो चुका है, और इसे वो बोल भी देता है, इसमें आपको साउंड भी आता है जैसे आपका स्पीकर चालू होता है। अब फिर जैसे अपने फोन का ब्लूटूथ चालू करेंगे आप देख सकते हैं अवान्ते बार 550 के नाम से आ जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको एक और पेयरिंग का ऑप्शन आता है, आप जैसे उस पेयरिंग पे क्लिक करेंगे आपका डायरेक्टली अपने फोन से स्पीकर कनेक्ट हो जाता है, और आप देख सकते हैं इसका बैटरी परसेंटेज भी अपने ब्लूटूथ के अंदर ही। अब हम बात करें इसके बटन फंक्शंस के बारे में, तो आपको जो सबसे पहले अगर म्यूजिक प्ले पॉज करना है तो वहाँ पर एक जो प्ले पॉज का बटन दिख जाएगा, सिंगल प्रेस में आपका म्यूजिक प्ले और पॉज हो जाता है। और अपनी जो वॉल्यूम बढ़ानी है तो प्लस वाले को सिंगल बार में करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, और डिक्रीज करने के लिए माइनस वाला दबाना है। ट्रैक अगर चेंज करना है तो जो प्लस वाला उसको दबा के रखेंगे तो आपको जो ट्रैक है फॉरवर्ड हो जाता है, और बैकवर्ड के लिए आपको कुछ माइनस वाले को दबा के रखना होगा तो जो अभी आपका ट्रैक है वो बैकवर्ड हो जाता है। और उसी टाइम अगर अपने जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी आप उनको वेक करना चाहते हैं जो पावर ऑन ऑफ का बटन है आपको उसको सिर्फ एक बार सिंगल टाइम में प्रेस करना होगा तो आपका असिस्टेंट वेक हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आप इसके ना रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें रिमोट के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करें तो आप लोगों के लिए मैंने उसका टेस्ट कर दिया है कि आपको जिससे पता चल जाए कि स्पीकर किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो एक बार आप इस पर भी नज़र डाल लो। Spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसा फ्यूचर में कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।